जब मैं छोटा था तब दादू ने बताया कि जीएफ का मतलब तो ग्रैंडफादर होता है। थोड़ा बड़ा हुआ, चार दोस्त मिले तो दोस्तों ने बताया कि जीएफ का मतलब तो गोल्ड फ्लैग होता है। थोड़ा और बड़ा हुआ, मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, फिर उस लड़की ने बताया कि बुद्धू जीएफ का। हाय गाइस, व्हाट्स अप एंड वेलकम बैक जेके डीडिंग। तो आगे नई वीडियो के साथ आज हम ग्लो इफेक्ट स्टेटस वीडियो क्रिएट करने वाले कायन मास्टर से, तो बने रहिए इस वीडियो के लास्ट तक। तो सबसे पहले आपको पिक्सेल ऐप ओपन करना है, तो यहाँ से मैं पिक्सेल ऐप ओपन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करना, डिलीट पर क्लिक करना और इसको डिलीट कर लेना। डिलीट करने के बाद थ्री लाइन पर क्लिक करेंगे, इमेज साइज पर क्लिक करेंगे, कस्टम पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर थंबनेल, यूट्यूब थंबनेल पर क्लिक करके से राइट क्लिक कर देंगे। राइट क्लिक करने के बाद यहाँ थर्ड वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, कलर्स पर क्लिक करेंगे। कलर्स में आपको ब्लैक कलर को चूज़ कर लेना यहाँ पर, तो ये ब्लैक कलर चूज़ हो गया। उसके बाद फिर आपको कोई भी यहाँ पर शायरी हो तो उसको यहाँ पर टेक्स्ट कर लेना है। तो पहले हम उसको लिख देते हैं, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और कुछ भी हो तो आपको यहाँ पर पेंसिल वाला आइकन पर क्लिक करके उसको यहाँ पर टाइप कर लेना है। तो यहाँ पर मैं कुछ भी लिख देता हूँ। तो यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद ए वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको फॉन्ट पर क्लिक करना है। माय फॉन्ट पर क्लिक करेंगे और कोई भी आपको अच्छा फॉन्ट हो तो उसको सिलेक्ट कर सकते हो। तो यहाँ पर मैं ये वाला सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद में यहाँ पर इसको ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर ए वाला ऑप्शन पर क्लिक करना है दोबारा, और फिर यहाँ पर आपको स्ट्रोक पर क्लिक करना है। स्ट्रोक एनेबल करके स्ट्रोक के कलर्स को कर देंगे वाइट। तो यहाँ तक वाइट हो गया। उसके बाद शेडो पर क्लिक करेंगे, शेडो को इनेबल कर देंगे। इनेबल करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर चले आना, फिर आप कलर पर क्लिक करना है और यहाँ पर इसके कलर्स को कर देना है ब्लैक। तो यहाँ तक ये अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। उसके बाद फिर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे और न्यू टेक्स्ट पर क्लिक करेंगे। पेंसिल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको टाइप करना है ऐप, ओके पर क्लिक करेंगे और फिर फॉन्ट पर क्लिक करेंगे, माई फॉन्ट पर क्लिक करेंगे और इस फॉन्ट की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, आप वहाँ से ये डाउनलोड कर सकते हो। तो ये वो फॉन्ट है, इस पर क्लिक करेंगे तो ये लीफ फॉन्ट बन जाएगा। उसके बाद में फिर इसको आपको साइज पर क्लिक करना है और यहाँ पर साइज पर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर क्लिक ऐड कर लेंगे अच्छे से। उसके बाद में फिर इसका जो भी कलर्स है आपको वो ऐड कर सकते हो। तो फिलहाल मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, तो यही कलर ऐड करके फिर आपको यहाँ पर कॉपी पर क्लिक करना है और यहाँ पर ऐड कर लेंगे यहाँ पर। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर जो भी पूरी शायरी लिख के बाद में इसमें सेव टू गैलरी कर देना। उसके बाद आपको आगे की प्रोसेस काइन मास्टर में बताता हूँ। फिर आपको काइन मास्टर ओपन करना है, तो मैंने ओपन कर लिया। काइन मास्टर ओपन करने के बाद में फिर आपको यहाँ पर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है और यहाँ पर साइज सेलेक्ट करनी 16.9। ये साइज सेलेक्ट करने के बाद हम यहाँ पर जो पिक्सेल ऐप से ऐड किया था फोटो वही यहाँ पर ऐड कर लेते हैं। तो वो शायरी मैं ऐड कर लेता हूँ पहले। तो यहाँ तक ये हो गया। उसके बाद में फिर यहाँ पर आपको प्लस वाला आइकन, सॉरी, इस पर क्लिक करना है, सेकंड वाले पे क्लिक ग्राफिक्स पर क्लिक करेंगे और इन एनिमेशन पे क्लिक करेंगे और इसमें से आप कोई भी देख सकते, यहाँ पर इस पर लगा सकते हो। तो सभी में इन एनिमेशन आपको ऐड कर लेना है। तो ये आपको गेट मोर में मिल जाएगा, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। तो सभी में इन एनिमेशन ऐड करने के बाद में फिर आपको इसको यहाँ पर एक्सपोर्ट कर लेना है। एक्सपोर्ट करके तो मैं एक्सपोर्ट कर लेता हूँ, उसके बाद आगे एक प्रोसेस बताता हूँ। तो वीडियो एक्सपोर्ट हो गया है। उसके बाद हम बैक चले आएंगे। बैक चले आने के बाद में फिर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, 16:9 रेशियो सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में बैकग्राउंड पर क्लिक करेंगे, ब्लैक बैकग्राउंड को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद में इसकी ड्यूरेशन को यहाँ तक आप जितना आपने पहले उसको वीडियो बनाया था उतना ही बनाएंगे। उसके बाद फिर लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और वाइट पीएनजी को हम ऐड कर लेते हैं यहाँ पर। तो ये वो पीएनजी है, इसको यहाँ पर ऐड कर लिया। फिर ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लेंगे, फिर लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे और जो अभी एक्सपोर्ट किया वीडियो उसको ऐड कर लेते हैं इसके अंदर। तो यहाँ पर इसको ऐड करना है। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर नीचे स्क्रॉल करते हुए ऑप्शन में ब्लेंडिंग पर क्लिक करना है और इसको स्क्रीन कर देंगे, तो ये अच्छे से एडजस्ट हो जाएगा। तो यहाँ तक अच्छे से एडजस्ट हो गया। मैंने उस वीडियो को ड्यूरेशन को ज़्यादा कर लिया था, आप कम ही रखें। उसके बाद
फिर हम लेयर पर क्लिक करेंगे, मीडिया पर क्लिक करेंगे, उसका जो एक बॉर्डर है उसको ऐड कर लेते हैं। तो मैं बॉर्डर ऐड कर लेता हूँ, तो मैंने ये बॉर्डर ऐड किया था यहाँ तक, और इसकी ड्यूरेशन को लास्ट तक कर लेंगे। उसके बाद में फिर इसको एक्सपोर्ट करेंगे, एक्सपोर्ट पर क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेते हैं पहले। तो ये वीडियो एक्सपोर्ट हो गया। एक्सपोर्ट होने के बाद में फिर आपको यहाँ पर इसके आगे की प्रोसेस नोट वीडियो ऐप में एडिटिंग करना है। तो यहाँ से मैं नोट ऐप ओपन कर लेता हूँ, उसके बाद आगे की प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ से ये ओपन करने के बाद में फिर न्यू पर क्लिक करेंगे, और न्यू पर क्लिक करने के बाद में अपना जो वीडियो एक्सपोर्ट किया था उसको ऐड करना है। तो यहाँ से मैं उसको ऐड कर लेते हैं। तो प्लस वाला आइकन पर क्लिक करना है, मीडिया पर क्लिक करना है, वीडियो पर क्लिक करना है, और उस वीडियो को ऐड कर लेता हूँ। तो यही वो वीडियो है, इसको यहाँ तक ऐड होने देते हैं। उसके बाद है, तो ये ऐड हो गया है। फिर प्लस वाला आइकन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर SS स्टोर पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको ग्लो स्कैन ये वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो ग्लो स्कैन पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर आपको एक ग्लो कलर पर क्लिक करना है, और यहाँ पर कोई भी आप कलर चूज कर सकते हो। तो जैसे मैं यहाँ पर रेड कर लेता हूँ। उसके बाद है, फिर यहाँ पर आप इंटेंसिटी को आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। तो वीडियो को थोड़ा सा मैं आगे कर लेता हूँ, तो ये कलर्स ऐड हो जाएगा। इसके बाद में फिर आपको यहाँ पर बैक चले आना है। तो मैं बैक कर लेता हूँ यहाँ पर। तो फिर प्लस वाला आइकन पे क्लिक करना है, और यहाँ SS स्टोर पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको एक रेन ड्रॉप ये वाला इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो मैं यहाँ से रेन ड्रॉप इफेक्ट ऐड कर लेता हूँ। तो ये वो इफेक्ट है, इस पर क्लिक करना। इसमें आपको सिर्फ ब्लर पे क्लिक करना, ब्लर को आपको माइनस कर लेना है बिल्कुल कम, आप जितना चाहो यहाँ तक उतना ही बना सकते हो। उसके बाद में फिर आपको यहाँ पर बैक चलाएंगे। तो यही वो प्रोजेक्ट था, इस पर क्लिक करना है, और इसको एक्सपोर्ट कर लेना है। तो एक्सपोर्ट पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर ये प्ले वाला ऑप्शन पे क्लिक करके एक्सपोर्ट कर लेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अब तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।